जरी जरीरा देखी रूप महारन दीरा वीर रथ धरि सर अयोध्या नाथ की जय जय कुटिल नरपु प्रभु खन्ना भैया बचाइयो ना का ए बचा ले भैया बचा ले। अरे सिंगार दानी छोटी है दैया दैया सिंगार दानी छोटी है दैया। भाई साहब इधर आइए जरा सा। ओ किनके चक्कर में फांस दी लू मदन भैया ए किसके चक्कर में आपने फांस दिया हमको? क्यों भाई साहब ये क्या बक रहे हो? तो कहां से आए हैं आप? कहां के रहने वाले हैं? क्या करोगे जान के पूछ रहे हैं? नहीं अगर ना बताएं आज तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ी जो हमें पकड़ लेता। चुप। इसीलिए तो पूछ रहे कि अगर डरे हैं तो केवल आपसे डरे हैं। आज तक कभी डरे नहीं केवल दो लोगों से, या तो आपसे डरे या फिर अपनी तुम्हारी नहीं अपनी। डरता डरता कौन है जो गलत काम करता है? नहीं हमने गलत काम तो कोई नहीं किया। तो फिर डर क्यों रहे? डर लग रहा है आपको? क्यों लग रहा है? क्यों उसे है कहाँ के रहने वाले आप? हम जो पूछ रहे हैं वो बताओ, तुम अपना वाला ना बताओ। नहीं आप कहाँ से आए हैं, कौन हैं, हम भी तो जाने कम से कम आपको। तुम्हें डर क्यों लग रहा है? नहीं हमें डर लग रहा है, हम भयभीत हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि डरे शब्द आया है इसलिए हम डर रहे हैं। लेकिन आप हैं कौन? आप कहाँ से आए हैं? जानोगे? हम अयोध्या से आए हैं। अयोध्या से? क्या नाम है आपका? हमारा नाम लक्ष्मण है। इनका? श्री राम। कब से है? क्या क्या है ये? श्री राम। अच्छा श्री, हमने सोचा श्री नहीं, ये श्री है, ये है श्री। और आप बिल्कुल फ्री भाई, तुम्हारे जैसे सिर्री की हमको है, जानते हैं आप की बुद्धि वहां तक पहुंच सकती है। अरे तो मुझसे पूछिए, मेरा नाम एकनाल सिंह, मेरे पिताजी का नाम दोनाल सिंह, बाबा का नाम तोप सिंह, अम्मा का नाम तमंचा रानी और मेरी दादी का नाम है छुरछुरिया देवी। क्यों आपसे बचने का कोई उपाय है? आपसे बचने का कोई उपाय है? कोई उपाय बता दीजिए। हाँ बता दे। बचना चाहते हो? बचना चाहते हैं तो कोई भजन सुनाओ। भजन? ये है तो पुराना वाला लेकिन सुनाओ। भजन भजन सुनाए। अरे तेरी याद आ रही आगे बढ़ के सुनाओ। आगे बढ़ो सुन रहे। अरे अच्छा एक तो बताओ, और कोई उपाय बता दो। भजन भजने वाला है। और कोई दूसरा उपाय बता दो। बता दे। हाँ अच्छा हमारे पैर छुओ तब हम बताएंगे। पैर छुए? आप लोगों के पैर छुए? पैर तो हमने केवल, अगर पैर छुए हैं तो केवल अपनी मदन भैया समझ गए। अगर पैर छुए हैं तो केवल अपनी मेहरिया के। ऐसे लोगों की भी हो सकता है। क्यों है ना, ऐसे लोगों की भी हो सकता है। अब जब तुम्हारे हो तो जानो, जब तुम्हारे है ही नहीं ऐसे लोगों की हो सकता है तो तुम कहा जानो। लेकिन अच्छा ये बताओ इनके पैर छुएंगे? सुन लो आपके पैर हम जरूर छुएंगे, क्योंकि आप उनके साथ में हैं जिनके साथ में श्री राम है। अच्छा और इनके, अब आप नहीं बताया है ये श्री राम है। हम रात में उठ उठ गए जिनके लिए रोते हैं, हम रात में उठ उठ गए जिनके लिए रोते हैं, ये वही राम जी है जो अवध में रहते हैं। वही राम जी है जो अवध में रहते हैं, हम रात में उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं।
चले गए का? चले गए काय मदन भैया, चले गए। रुको, क्यों भाई साहब, चले गए? राम लक्ष्मण दोनों चले गए, तो वही चले गए तो तुम का घुंगिया छीन रहे, बच गए ब्याजी, बच गए। हमें कोई नहीं मार सकता है, हमें कोई नहीं मार सकता है, क्योंकि हमारे घर में है श्रीमती और हम हैं उनके श्रीमता। न उनका पता न हमारा पता, हम लोग हैं परगता ही अमावस से लापता। वैसे भी कहा गया है, जिसने छुए मेहरिया के पांव, चिंता न करो रामकली की अम्मा। हाँ, आज की तारीख में इतना समझा देवे कि आप लोगन की पैलगी सुबह रहे तो चालू हुई जाए। और ये आ गए हमारे मदन भैया, मदन भैया जो पत्नी के रोज पैर छूते हैं। भैया धोखे में कही गए, आपकी ओर से 11 मुद्रा प्रदान है, बहुत बहुत धन्यवाद है। का एक का बताओ, का भैया चंद्रवान भैया एक बार बताओ, ये कही रह रहा है पत्नी के पांव नहीं छुए जाते, नहीं छुए जाते कि नहीं छुए जाते, छुए जाते आप छुआ थो पत्नी के पांव छुए थो, पत्नी के पांव छुए थो, नहीं छुए रहे भैया, छुए रहे। कल की बात है, कल की, आप छुए थो कि नहीं? तब वही तो रात में यहां वहां घूम रहे। कल की बात है, कल की, मदन भैया कल सुबह सुबह अचानक हमारे पिताजी खत्म हो गए, पिताजी हमारे खत्म हो गए। हम बड़ी तेज रोने लगे, हमने कहा हमारे पिताजी खत्म हो गए, अब हम पिताजी किसको कहेंगे? तो जितने बुढ़ा रहा है हमारे मोहल्ले के, भैया थोड़ा शांत रहो, सब आ गए। बोले बेटा काहे रो रहे हो, हमको हमारे पिताजी मर गए, अब पिताजी किसको कहेंगे? तो बोले चिंता न करो, हम सब जने तुम्हारे पिताजी हैं, हमको यार एक पिताजी मरे, इतने पिताजी मिल गए। कल शाम के अम्मा मर गई, मुहल्ले की जितनी बूढ़े मार हैं सब आ गई। चंद्रभान भैया बोली चिंता न करो, आज से अम्मा हमका कही ले हो। मदन भैया आज सवेरे सवेरे, आज सवेरे सवेरे हमार मेहरिया मर गई, सारा दिन रोवत रहे, सारा दिन रोवत रहे। खन्ना भैया को नहीं आओ कि हमका मेहरिया कही ले, इसलिए पत्नी के पैर छूना जरूरी है। मदन भैया काल तो छुए लागे, देखिए हम पत्नी के पैर छूते हैं, चंद्रभान भैया छुअत है, और इनका कहां वो शर्म नहीं लाग रही। हम उनके पैर छूते हैं, उनकी पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो साल भर उपासी रहती है, पूरा साल, कि जहां जा रहे हो नीके नीके घर आ जाओ, वो साल भर उपासी रहती है, और हम साल में एक दिन उपासे रहते हैं। कट में करवा चौथ उपासे रहते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और कैसे करते हैं? आप लोगों ने पढ़ी होगी हनुमान चालीसा, आप लोगों ने पढ़ी होगी शिव चालीसा, लेकिन हम पढ़ते हैं पत्नी चालीसा। और ये पत्नी चालीसा है, जितने पत्नी के भक्त होंगे वो जरूर आएंगे। और कैसे पूजा करते हैं? अरे जय जय हे पत्नी रानी। और ये देखिए 11 मुद्राएं हमारे मदन भैया की ओर से आई थी, भाई बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे जय जय हे पत्नी रानी,
करती है ये मनमानी, फिर भी उतारे इनकी आरती। हाँ, फिर भी उतारे इनकी आरती, क्योंकि लगती है बिल्कुल दिव्य।